इसको दिक्कत हो डिपार्टमेंट आपको भी अब इस चीज की ये आप ही उधर ही आ जाओ मैं वार्ड नंबर 21 का रहने वाला हूँ कठुआ में। तो मुझे ये एम्प्लॉयमेंट दफ्तर के थ्रू मुमकिन स्कीम जो चालू की थी एलजी साहब ने उसके थ्रू मुझे गाड़ी मिल रही है आज। तो बहुत अच्छी स्कीम है ये। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी स्कीमें और भी लॉन्च होती रहें कि नौजवान आगे बढ़ें और काम करें इसके तहत। तो बहुत सी गाड़ियाँ दी जा रही हैं साहब, कितनी खुशी है सबके। बहुत बड़ी खुशी हमारे लिए। काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि गाड़ी मिलेगी मिलेगी, आखिरकार वो दिन आ गया कि आज हमें गाड़ी मिल रही है। बोलिए इसमें कितनी सब्सिडी वगैरह के क्या दे रहे हैं सर? इसमें इन्होंने 10% मतलब की कंपनी के 10% गवर्नमेंट इनको दे रही है, ओवरऑल 20% सब्सिडी दे रही है। पूरा बेनिफिट मिल रहा है? जी सर, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। ऐसी बात नहीं, हर चीज़ ने कोऑपरेट किया, खासकर एम्प्लॉयमेंट दफ्तर ने और हमारी जैसे गाड़ी मिल रही है उन्होंने भी और बैंकों ने भी हमारा बहुत ही कोऑपरेट किया। मैं हमारे साथ सहयोग दिया। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। बताएं ये जो गाड़ी सब्सिडी में ली है 1,60,000। हाँ जी, कौन सी गाड़ी ली है? महिंद्रा गाड़ी ली है जी। तो क्या समझते हैं कितना काम करेंगे इससे, कितना रोजगार मिल रहा है आपको? काम करना सर, अब तो क्या रोजगार जी। तो सरकार की स्कीम कितनी अच्छी है जी? जी अच्छी है स्कीम, 1,60,000 दे रहे हैं जी। तो फायदा हो रहा पूरा? हाँ जी, पूरा मिल रहा फायदा। चल ठीक है, इतना बेनिफिट है। कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन अप्लाई करता है और इसमें कैंडिडेट को 1,80,000 के करीब 60,000 के करीब सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और स्कीम में अंडर अभी तक हमने 160 लोगों को बेनिफिट मुहैया करवा दिया है। और ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें कैंडिडेट को अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रेशन, उसकी इंश्योरेंस, उसके जो भी डॉक्यूमेंट अगर फर्दर बनने हैं वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से बनते रहते हैं। उसको कितनी सब्सिडी वगैरह मिलती है? सब्सिडी इसमें 1,60,000 अप फ्रंट सब्सिडी है, हम शुरू में ही इनको मिल जाती है। 80,000 इसमें मिशन यूथ की तरफ से दी जाती है और 80,000 जिस कंपनी की वो गाड़ी ले रहा है उतनी उसको रिपीट उसको। तो क्या देखते हैं कि जो यूथ है उसके लिए कितना एम्प्लॉयमेंट सोर्स डेवलप हो रहा है? देखिए सोर्सेज आज आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही मेजर इश्यूज है मतलब, और उसी को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम रन कर रही है और मुमकिन भी एक वन ऑफ द मेन इशू वही उसी लाइन में एक स्कीम्स है हमारे पास। और स्कीम के तहत हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो हमारे अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं जो अभी तक कहीं भी सेटल नहीं हो चुके हैं और वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में या कहीं और सेक्टर में अपना बिजनेस करना चाहते हैं वो आएँ हमारे पास, हम उनकी पूरी मदद करेंगे और उनका बिजनेस सेटअप करेंगे, उनकी पूरी मदद करेंगे। क्या इनके लिए वो एडवाइस रहेगी कि लीगल काम करें, इलीगल ना करें? इनकी तरफ से हमारी यही रहे है कि अगर हम आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर करेंगे तो इनका आप एक सदुपयोग करें, मतलब इनको एक राइट पर्पज़ के लिए यूज़ करें। और क्योंकि आपको टाइम टू टाइम मंथली इसकी इंस्टॉलमेंट भी जमा करनी है, अगर आप अच्छे तरीके से इसका सदुपयोग करेंगे तभी आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी दे पाओगे और अपनी लाइवलीहुड जनरेशन को फर्दर कैरी ऑन कर सकते हैं। जो स्कीम है वो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाई जा रही है लोगों को स्वरोजगार देने के, उसी के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। लोगों को गाड़ियाँ दी जा रही हैं ताकि वो स्वावलंबी बने, अपना रोजगार करें और उससे अपने परिवार के। कितना आज तक कितना बेनिफिट अभी लोगों को गाड़ी दी जा रही है, कितना बेहतर समझते हैं? 160 गाड़ियाँ हम दे चुके हैं जनपद में। और जैसा मैंने कहा ना कि व्यक्ति को एक बार गाड़ी मिल जाती है, रोजगार का जरिया मिल जाता है, तो फिर वो अपना स्वावलंबी बनना शुरू हो जाता है। प्रयास यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। थैंक यू।